हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, मैं देवा, मेरे यूट्यूब चैनल DSR देवा म्यूजिक में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां आपको मिलते हैं म्यूजिक से रिलेटेड वीडियोस। आज के इस वीडियो से मैं आपको पुष्पा मूवी का श्रीवल्ली सॉन्ग प्ले करना सिखाने वाला हूं। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना और मेरे इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब हम इस श्रीवल्ली सॉन्ग को सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस सॉन्ग के स्टार्टिंग म्यूजिक को कीबोर्ड पर प्ले करना सीखेंगे, जो कि सारंगी की वॉइस में प्ले हुआ है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब वो स्टार्टिंग म्यूजिक कैसे प्ले होता है, सबसे पहले मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्टिंग म्यूजिक को कीबोर्ड पर प्ले करना सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यही है वो सारंगी का स्टार्टिंग म्यूजिक। अब इस स्टार्टिंग म्यूजिक को कीबोर्ड पर प्ले करना सीखने के लिए सबसे पहले आपको कीबोर्ड में लगा लेना है सारंगी की वॉइस। सारंगी की आवाज लगाने के बाद हम इस स्टार्टिंग म्यूजिक को ई नोट से प्ले करना सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले ठीक है, अब दूसरी लाइन ई नोट से, अब तीसरी लाइन भी ई नोट से ही सीखते हैं। ठीक है, अब इसके आगे की चौथी लाइन भी हम ई नोट से ही प्ले करना सीखते हैं। देखिए, ठीक है, अब इसके आगे की पांचवें नंबर की लाइन भी हम ई नोट से ही प्ले करना सीखते हैं। देखिए, छठवें नंबर की लाइन ई नोट से, ठीक है, अब सातवें नंबर की लाइन भी ई नोट से, अब इसके बाद एट्थ नंबर की लाइन भी हम ई नोट से ही प्ले करना सीखते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। देखिए, ठीक है, फिर से देखिए लास्ट वाली लाइन, तो यहां पर हमने ये सारंगी का म्यूजिक एक बार प्ले करना सीख लिया है। अब ये पूरा म्यूजिक दो बार यहां पर रिपीट होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक और बार फिर से प्ले करना सिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले पहले नंबर की लाइन ई नोट से, अब दूसरी लाइन भी ई नोट से, ठीक है, अब तीसरी लाइन ई नोट से, इसके बाद चौथी लाइन ई नोट से लेकिन अलग। देखिए, ठीक है, अब इसके बाद पांचवें नंबर की लाइन भी ई नोट से, अब छठवें नंबर की लाइन ई नोट से, अब सेवन नंबर की लाइन वापस से ई नोट से, अब लास्ट एट नंबर की लाइन ई नोट से लेकिन वो डिफरेंट होगी। देखिए, ठीक है, तब यहां पर हमने सारंगी का ये स्टार्टिंग म्यूजिक प्ले करना सीख लिया है। अभी मैं आपको ये सारंगी का स्टार्टिंग म्यूजिक पूरा एक साथ स्लो मोशन में प्ले करके बता देता हूं, हो सके तो आप भी मेरे साथ प्ले कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। Thank you.
पर हमने इस सॉन्ग के स्टार्टिंग म्यूजिक को प्ले करना सीख लिया है। अब इस स्टार्टिंग म्यूजिक के बाद हम इस सॉन्ग के मुखड़े को प्ले करना सीखेंगे और वो मुखड़ा हम अकॉर्डियन की वॉइस में प्ले करना सीखते हैं। इस मुखड़े की सबसे पहली लाइन हम ई नोट से प्ले करना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले आगे की लाइन हम वापस से ई नोट से ही प्ले करना सीखते हैं। देखिए अब इसके आगे की लाइन हम जी शार्प नोट से प्ले करना सीखते हैं। देखिए ठीक है, अब वापस से जी शार्प नोट से अब इसके आगे की लाइन एफ शार्प नोट से ठीक है। अभी जो लाइनें मैं आपको प्ले करना सिखा रहा था वो लाइनें मैं आपको फिर से सिखा देता हूँ क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा टफ है। देखिए सबसे पहले जी शार्प नोट से वापिस से जी शार्प नोट से अब इसके बाद एफ शार्प नोट से अब इसके बाद ई नोट से ठीक है। अब इसके आगे तेरी झलक अशरफी श्री वल्ली ये वाली लाइन हम ई नोट से प्ले करना सीखते हैं बट मैं आपको गाकर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये लाइन बहुत ही हाई है और मेरा स्केल इतना हाई जाएगा नहीं। ठीक है, इसलिए मैं आपको सिर्फ प्ले करना सिखा देता हूं। देखिए ठीक है, अब इसके आगे श्री वल्ली वाली लाइन हम जी शार्प नोट से प्ले करना सीखते हैं। देखिए ठीक है, अब इसके बाद नैना मदक बर्फी ये वाली लाइन हम डी नोट से प्ले करना सीखते हैं। देखिए ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी लाइनें प्ले करना सीखी है तेरी झलक अशरफी से वो सारी लाइनें मैं आपको एक और बार प्ले करना सिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले तेरी झलक अशरफी वाली लाइन रिपीट होगी। देखिए ई नोट से ठीक है, ये वाली लाइन थोड़ी सी डिफरेंट प्ले होती है। देखिए अब इसके बाद श्री वल्ली वाली लाइन जी शार्प नोट से सेम टू सेम ठीक है, अब इसके बाद बातें करे जो हरफी ये वाली लाइन हम डी नोट से प्ले करना सीखते हैं। देखिए ठीक है, फिर से मैं आपको ये वाली लास्ट लाइन प्ले करना सिखा देता हूं। देखिए पर हमारे सॉन्ग का मुखड़ा भी हो चुका है कंप्लीट। अब इस मुखड़े के बाद वापस से हमें स्टार्टिंग म्यूजिक की जो सारंगी वाली म्यूजिक है वो हमें यहाँ पे रिपीट कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों आज का ये ट्यूटोरियल वीडियो आपको कैसा लगा ये मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।